देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में अगला क्वेश्चन है, लेट वाई एक्स बी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू जीरो विथ वाई जीरो इज इक्व टू वन एंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्व टू जीरो इक्व टू माइनस वन. देन वाई एक्स अटेन द मैक्सिमम वैल्यू एट वाई एक्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे देगा, एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम देगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैक्सिमम को समझते हैं. मैक्सिमम मिनिमा की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, कोई भी फंक्शन जो है आपका मैक्सिमम है या मिनिमम है उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू जीरो. फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी ए फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम और मिनिमम देन फॉर दिस द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू जीरो. किसी भी फंक्शन के मैक्सिमा या मिनिमा होने की नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू जीरो. तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा. ये आईवीपी है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. कैसी प्रॉब्लम है, डी स्क्वायर प्लस फाइव डी प्लस सिक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. ऑक्सिलरी इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस सिक्स इक्व टू जीरो. इट मीन्स एम स्क्वायर प्लस थ्री एम प्लस टू एम प्लस सिक्स इक्व टू जीरो. इट मीन्स एम इज इक्व टू माइनस टू कॉमा माइनस थ्री. ये तो क्या मिलेगा मेरे को, एम की वैल्यू आ जाएगी. तो इसका मतलब सॉल्यूशन मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स. अगर डिस्टिंक्ट रूप हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है. अब इनिशियल कंडीशन इम्पोज करने से पहले हम वाइडेस भी निकाल लेते हैं. कितना आएगा, माइनस का टू सी वन ई टू दी पावर माइनस टू एक्स माइनस का थ्री सी टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स. ठीक है, इनिशियल कंडीशन इम्पोज करते हैं, उसको मैं यहां पे लिख देता हूं. देखिए जब हम इसमें इनिशियल कंडीशन रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, वाई एट जीरो, वाई एट जीरो रखता हूं तो वैल्यू वन दी है. तो वन इज इक्व टू ई पावर जीरो हो जाएगा, ये वन अपॉन जीरो वन ही होगा, ई की पावर जीरो मतलब. तो ये सी वन प्लस क्या मिलेगा, सी टू. और डी वाई बाई डी एक्स एट इक्व टू जीरो कितना होगा, माइनस वन इज इक्व टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन दिया है, वाई डी एक्स माइनस वन दिया है, तो कितना आएगा, माइनस टू सी वन माइनस थ्री सी टू. इसका मतलब माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो मुझे क्या मिला, वन इज इक्व टू टू सी वन प्लस थ्री सी टू. अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. अगर ऊपर वाली इक्वेशन को मैं दो से मल्टीप्लाई करूं तो टू सी वन प्लस टू सी टू इज इक्व टू टू मिलेगा. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहां से क्या मिलेगा, सी टू इज इक्व टू माइनस वन. ठीक है, सी टू की वैल्यू यहां रख देते हैं. देखिए सी टू की वैल्यू यहां रखिए, सी टू तो माइनस वन आ गया, तो सी वन इज इक्व टू कितना आ जाएगा, टू आ जाएगा. तो मेरे पास जो मेरा वाई मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, पहला काम तो मुझे y निकालना था, y कितना आ जाएगा मेरा, y इज इक्व टू सी वन मीन्स टू ई टू दी पावर माइनस टू एक्स प्लस सी टू मीन्स माइनस वन माइनस ई टू दी पावर माइनस थ्री एक्स. अब हमसे जो कहा गया है मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो y डैश निकालते हैं, मतलब dy वाई अपॉन डी एक्स कितना होगा, माइनस का फोर ई पावर माइनस टू एक्स प्लस का सिक्स ई पावर सॉरी सिक्स नहीं कितना आएगा है? थ्री थ्री आएगा ना, थ्री ई पावर माइनस टू एक्स. तो ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी मैक्सिमम डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू जीरो. इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू जीरो, दैट इज इसको जीरो रखेंगे, माइनस फोर ई पावर माइनस टू एक्स प्लस 3e पावर माइनस टू एक्स इक्व टू जीरो. थ्री एक्स होगा ये, कितना होगा, 3x होगा, तो कितना आएगा मेरे पास, 4e पावर माइनस टू एक्स इज इक्व टू थ्री ई पावर माइनस थ्री एक्स. दिस इंप्लाइज इसको डिवाइड कर दें, ऊपर लाके e पावर x जो आ जाएगा मेरे पास 3 अपॉन 4 मिल जाएगा. कितना मिल जाएगा e पावर x, 3 अपॉन 4. अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं यहां से तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्व टू लॉग थ्री बाई फोर, x इक्व टू लॉग थ्री बाई
तो x की वैल्यू लॉग 3 अपॉन 4 आई, तो मैक्सिमम होने के लिए x की वैल्यू तो मिल चुकी है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू दे तो इस पर डबल डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, डबल डेरिवेटिव की जो वैल्यू आनी चाहिए वो निगेटिव आनी चाहिए, देख लेते हैं निगेटिव आ रही नहीं आ रही है। डबल डेरिवेटिव करें यदि हम इसका तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू दिस इज इक्वल टू कितना आएगा 8e पावर माइनस 2x माइनस 9e पावर माइनस 3x। जैसे ही आप e पावर x की वैल्यू, यहां से e पावर x कितना आ रहा था हमारे पास, e पावर x इक्वल टू 3 अपॉन 4 था ना, e पावर x इक्वल टू 3 अपॉन 4 यहां पे रखिएगा इस पूरे टर्म में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू एट एक्स इज इक्वल टू, सॉरी क्या ई पावर एक्स इज इक्वल टू 3 बाई 4, तो ये वैल्यू क्या दे देगा, निगेटिव रख देगा। कैसे सॉल्व करके भी देख लेते हैं, 8 इंटू इसको कितना लिख सकता हूं, ई पावर 2x की पावर माइनस 1 माइनस 9 इंटू ई पावर 3x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो हमारे पास इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी ई पावर माइनस 2 कर देते हैं या माइनस 3 कर देते हैं, वैल्यू रख दीजिए 8 इंटू ई पावर एक्स कितना है 3 अपॉन 4 पावर माइनस 2 माइनस 9 इंटू ई पावर, ये 3 बाहर चला गया, ई पावर एक्स कितना है 3 अपॉन 4 पावर माइनस 3। जैसे आप इसको सॉल्व करिएगा इसको पलट के, तो वैल्यू क्या देगा, निगेटिव देगा। वैल्यू निगेटिव दे रहा है इसका मतलब ई पावर एक्स मतलब एक्स इक्वल टू इतना, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर मैक्सिमा के लिए डबल डेरिवेटिव निगेटिव आना चाहिए ना, तो डबल डेरिवेटिव हमारा क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो मैक्सिमा की कंडीशन है तो डबल डेरिवेटिव निगेटिव आना चाहिए, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ कितना आएगा, डिवाइड कीजिए 0.75, तो ये लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, लॉग ऑफ 0.75, ठीक है, लॉग ऑफ 0.75। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमसे कहा गया था yx बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इनिशियल कंडीशन इतना, yx अटेन द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम के लिए नेसेसरी सफिशियंट कंडीशन ये है, हमने इनिशियल वैल्यू को सॉल्व किया, डबल डेरिवेटिव निगेटिव आया, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0.75, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं, देखिए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये भी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि द सॉल्यूशन ऑफ आईबीपी, सॉल्यूशन ऑफ आईबीपी, आईबीपी क्या दे रखी है, एक्स वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू 0 वाई वन इज इक्वल टू 1 इज, वाई वन इज इक्वल टू क्या दिया है 1, तो इसको अगर हम सॉल्व करें x dy by dx minus y is equals to 0, x dy by dx is equals to y, it means dy by dx by x cross multiply कर दिया, integrating both sides plus यहां integrating constant भी लगा देते हैं log c, क्योंकि इसका integration जो आएगा log y is equals to log x plus log ऑफ c मिलेगा हमें, तो जब सॉल्व करेंगे हम तो log y इज इक्वल टू log ऑफ एक्स सी, तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स सी मिल गया, y इज इक्वल टू क्या मिला, एक्स सी। अगर हम इनिशियल वैल्यू इम्पोज करें, इनिशियल वैल्यू क्या है, y1 इज इक्वल टू 1, x बराबर 1 तो y बराबर 1, तो यहां रखिए 1 इज इक्वल टू 1 इंटू सी इंप्लाइज सी इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन क्या था, द सॉल्यूशन ऑफ आईबीपी दिस एट दिस पॉइंट इज, तो c की वैल्यू 1 आई तो हमें y इज इक्वल टू क्या मिला, x मिल गया, ठीक है। तो x ऑप्शन दिया है, देखिए y इज इक्वल टू x विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इस तरीके से इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।